हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एयरक्रैक एनजी को डाउनलोड करना सीखेंगे और देखेंगे विंडोज 10 के अंदर इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे कमांड लाइन मोड में इसको यूज़ करते हैं और किस तरीके से आप इसको GUI मोड को ओपन करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन जो है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है एयरक्रैक एनजी, ठीक है, या तो एयरक्रैक एनजी फॉर विंडोज़, आपको इन दोनों नाम से सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपके पास फर्स्ट ही लिंक आपको ओपन करनी है। ये इसकी ऑफिशियल साइट है www.aircrackng-manage.org, ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल साइट है। आपको इसी साइट से जो है इसको डाउनलोड करना है। और फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखना है, एकदम लेटेस्ट अप टू डेट पैकेज आपके पास होना चाहिए, तब जो है अच्छे से वर्क करेगा। आप कोई भी पुराना पैकेज जो है डाउनलोड मत करना और किसी दूसरी वेबसाइट से इसको डाउनलोड मत करना, वरना आपके कंप्यूटर में वायरस भी आ सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, आपको सिंपली इस फाइल को जो है डाउनलोड करना है। ये फाइल जो है लगभग 12 MB की है, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगी डाउनलोड होने में। सिंपली जो है 10 से 15 सेकंड में फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगी। आपको इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। अब देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर में फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। तो देखिए, अब ये जो है यहाँ पे मेरे को जिप फाइल जो है यहाँ पे देखने को मिली है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फाइल को, सेटअप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो मैं इसको यहीं पर कर देता हूँ फिलहाल में। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि फाइल जो है फाइनली एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। फाइल एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप सभी को सिंपली इस फोल्डर को ओपन करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे फाइल और फोल्डर देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको जाना है बिन फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी सारी एप्लीकेशन जो है आपको इस फोल्डर के अंदर देखने को मिलेगी। तो चलिए इसको सबसे पहले हम डेमो के लिए कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर रन करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो सिंपली जो है आपको यहाँ पे कमांड टाइप करनी है cd चेन डायरेक्टरी, और यहाँ से जो है इसका पाथ को आपको कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे आपको cd स्पेस इस पाथ को जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना है टर्मिनल में। ऐसे करके जो है आप इस डायरेक्टरी में स्विच हो जाएंगे। स्विच होने के बाद यहाँ पे जो एप्लीकेशन दिख रही है इनको आप रन कर सकते हैं। तो सिंपली मैं आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन रन करके दिखा देता हूँ जो हमारे कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन शो करेगी कंप्यूटर की, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ इसने शो करी है, एयरक्रैक -ng -u। तो देख सकते हैं कि कमांड जो है अच्छे से वर्क कर रही है। तो चलिए अब इस कमांड को टर्मिनल के साथ अटैच कर देते हैं। तो कैसे करना है, तो चलते हैं बैक में और जहाँ पे हमने इस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट किया था इसको कर देते हैं यहाँ से कट। आप चाहे कॉपी भी कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से मैंने कट किया और चलता हूँ मैं सी ड्राइव में और इसको यहाँ पर जो है बाहरी पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए इसको पेस्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसको यहाँ पर पेस्ट नहीं करता, मैं अंदर ही इसको प्रोग्राम फाइल्स के अंदर पेस्ट कर देता हूँ ताकि मेरे को पता रहे कि मैंने यहाँ पे एक फाइल को पेस्ट किया है। तो चलिए यहाँ पे परमिशन दे दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए और ये जो फाइल है यहाँ पे आ जाएगी। आपको सिंपली इस फोल्डर को यहाँ पे ओपन करना है, इस फोल्डर को भी ओपन करना है और आपको बिन फोल्डर को ओपन करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से इसके पाथ को कॉपी कर लेना है। जैसे आप इस पाथ को कॉपी करेंगे, अब आपको यहाँ पर एनवायरमेंट वेरिएबल में इसकी एंट्री करानी होगी। तो आपको अपने सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ पर आपको एड एडवांस सेटिंग्स, सिस्टम एडवांस सेटिंग्स में आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे एडवांस टैब में एनवायरमेंट वेरिएबल्स जो है नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, इसके ऊपर आपको करना है क्लिक। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहले वाले में आपको, अगर आप करंट यूज़र ही को ही चाहते हैं कि सिर्फ करंट यूज़र इस एप्लीकेशन को यूज़ करे, तो यहाँ पर इसकी एंट्री कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर के हर यूज़र जो है यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर पाए, तब जो है यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे पाथ को पेस्ट कर दीजिए। लेकिन मैं अपने केस में चाहता हूँ कि सिर्फ मैं इस एप्लीकेशन को यूज़ करूँ, तो ऐसे केस में मैं यहाँ पे न्यू वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे पाथ नाम से जो है वेरिएबल नेम डिक्लेयर करता हूँ और यहाँ पर जो है उस पाथ को जो हमने कॉपी किया था यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। सिंपली ओके कर देना है और यहाँ पर भी आपको ओके करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पाथ आ चुका है और यहाँ पे भी आप कर दीजिए ओके। अब जो है ये हमारे कंप्यूटर में कमांड लाइन के साथ अटैच हो चुका है। अब आपको सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है और यहाँ पे इस टूल को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उसी कमांड को मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, देखते हैं एग्जीक्यूट होती है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, कमांड्स जो है एग्जीक्यूट हो रही है। अगर आपके केस में कमांड एग्जीक्यूट ना हो तो एक बार अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि GUI मोड को कैसे रन करना है। सिंपली आपको उसी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में जाना है जहाँ पे आपने इस प्रोग्राम फाइल्स को गए थे पेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम फाइल्स में जाना है और यहाँ पे देखिए एयरक्रैक एनजी इसको ओपन करना है। सिंपली बिन फोल्डर के अंदर आपको जाना है। तो यहाँ पे आपको देखना GUI मोड जो है देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, इस फाइल का शॉर्टकट जो है अपने डेस्कटॉप पर पेस्ट कर देना है। तो सिंपली यहाँ पर सेंड इट हुआ डेस्कटॉप शॉर्टकट, देख सकते हैं आप। तो अब देख सकते हैं हमारे डेस्कटॉप पर शॉर्टकट जो है आ चुका है।
अब सिंपली आप इस शॉर्टकट को रन कीजिए और इसका जीयूआई मोड जो है आप एयरक्रैक एनजी का इजीली यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को सॉफ्टवेयर यूज़ करना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो मुझे नीचे कमेंट में बताइए, मैं आप सभी के लिए इस टॉपिक पे जो है एक स्पेशल वीडियो जो है आप सभी को बना के दूंगा। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, मिलता हूं मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।